नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित मौजूद है। पूनम पंडित के गांव इस्माइलपुर में मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पे है, उसी मुद्दे पे पूनम पंडित से बातचीत करेंगे। तमाम पार्टियां जो हैं वो डेरा डाल रही हैं, पूनम पंडित कहाँ हैं, तमाम पार्टियां आ रही हैं और तमाम जो देश की जनता है उनकी निगाहें भी हैं कि आखिर पूनम पंडित 22 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस पार्टी के साथ, अखिलेश यादव, मायावती या किस कांग्रेस, किस पार्टी के साथ जाएंगे। तमाम नेता के संपर्क में आप सूत्रों से जो खबर आ रही है आप साफ कर दीजिए इस बार। साफ, हाँ एकदम ऐसे साफ कर दूं जैसे बीजेपी साफ हो रही है, ऐसे करूं क्या साफ? तो करना बीजेपी को ही साफ है नहीं। हाँ, तो जो चीज साफ होने वाली वो करे तो और ज्यादा बेहतर है। अच्छा। बाकी कोई युवा अगर इस तरीके से काम करता है, निस्वार्थ काम करे, तो मेरा ये मानना कि जो पार्टी है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो वो चाहती है कि युवा आवे, क्योंकि जब नई सोच का व्यक्ति आवेगा तो नई सोच आवेगी, नए बदलाव आवेंगे। तो हम युवा को सपोर्ट करेंगे, ऐसे नेता को सपोर्ट करेंगे जो महंगाई के ऊपर भी बोले, जो ये तुम्हारा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे उन पे बोले, जो देश में हो रहा उस पे बोले, विदेशों की बात ना करे। जब विदेशों को हस्तक्षेप करने के लिए भारत को कहा जाएगा, जब करे, जब पूरा वर्ल्ड का सिस्टम बैठेगा, तमाम विपक्ष तभी की तभी करेंगे ना। हाँ, तमाम विपक्ष की पार्टियां इन मुद्दों पे तो विरोध करती ही रहती है, बीजेपी छोड़ के, क्योंकि सत्ता में वो है। तो आपके पास जो लोग डेरा डाल रहे हैं, जो आपके गांव तक आ रहे हैं, वो कौन सी पार्टी और आप किस पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रही हैं? सभी पार्टी के आ रहे कायदे में, हाँ जी सभी के आ रहे हैं और सभी चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी में हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तकरीबन 85% लोग चाहते हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, मुझे जो प्यार करने वाले, मेरे क्षेत्र के भी लोग हैं, हालांकि पूरा देश मुझे प्यार करता है, बाहर विदेशों में भी मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं वो चाहते हैं 85% कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन मैंने कहा भी बच्चा आज बालक है, मैंने इतना दबाव समझ दो, समझो बात को, काम करेगा इतना थक जाएगा। तो वो कहते हैं बच्चा तो तूने मैं दम कर रखा, तो मैं ये बोलती हूँ। पूनम पंडित लखनऊ क्लास लेने जा रही हैं कि देने जा रही थी? देने। हालांकि हम इतने बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं है जो किसी को क्लास देंगे, लेकिन कोशिश है समझाने की कि देश के हालात ऐसे हैं हमारे और जो ये राजनीति को किधर ले जा रहे। देखिए, पहला देश है भारत जहाँ पे परमात्मा के नाम पे वोट लिया, परमात्मा जो है सब कुछ परमात्मा देता है, लेकिन पहला देश और पहली पार्टी ऐसी है जो ये भगवान को सब कुछ दे रहे हैं, देने की बातें कर रहे हैं और उस आस्था पे ये वोट लेना चाह रहे, पहला देश है। लेकिन जनता तो खुश है ना, जनता तो मान रही है कि रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, योगी जी ने कहा था कर दिया। अब 20 साल तक मंदिर के ऊपर ही गाते रहोगे आप? चलिए बढ़िया बात है, बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम सत्ता में ही न लिया है, दूसरा सत्ता का कार्यकाल चल रहा, तो क्या तीसरा, चौथा, पांचवा, हर कार्यकाल में बस यही कहेंगे राम मंदिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी लाएंगे वहीं बनाएंगे मंदिर, तो क्या हम एक बार वोट दे दी संतुष्टि नहीं है? जब तुम सत्ता में आए, हमने वोट दी मंदिर के नाम पे, मान लीजिए हम तो अपनी गलती मान रहे हैं। तो आपने वोट दिया था? हाँ जी, दिया था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई फांसी बनती हो, कोई मुकदमा लिखा जाता हो, तू भी लिखवा दिए भाई, दो चार तो ले लिए मैंने मुकदमे जा करके, लोगों को सहयोग करके, एक आदि इस बात पे बनता हो तो तू भी लिखवा, सहयोग करके मुकदमा लिखवाए कि गुमराह करके, सहयोग करके। जो लड़की 13 साल की गायब है ना, एक महीने से उसकी माँ बैठी हुई है धरने पे, और 10 जनवरी का ही वारदात है, 9 महीने से ज्यादा हो गए, 10 महीने करीब, ठीक, उस वो एक बेटी को नहीं ढूंढ पाए। पुलिस देखिए कितना काम कर रही है ना, कर रही है ना, एक 13 साल की लड़की को वो ढूंढ नहीं पाए, और हमने जा करके थोड़ा सहयोग करा, उससे पहले कितना जानता था इस मैटर को कोई, हमारी टीम ने, हम सब ने जा करके वहां सहयोग करा उस दिन, तो इस बात की मुकदमा उठा, आवाज उठी, बुलंद हुई, प्रशासन भी डरा, हालांकि वो शासन से ज्यादा डर रहे हैं। अभी जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, जो मुकदमे होने चाहिए वो नहीं हुआ, ठीक, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, ना गुड़िया को ढूंढ पा रहे हैं वो अभी, तो सहयोग करा, सहयोग का ही तो नतीजा लेना पड़ा हमें, बीजेपी के कार्यकर्ता वे, ठीक, जिनको मैंने सहयोग करा, तो मैंने इस चीज को नहीं देखा ना कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने ये चीज देखी कि एक माँ परेशान है 13 साल की लड़की के लिए, मैंने इसलिए जाकर, मतलब उनके जो लोग हैं कार्यकर्ता है वो भी सरकार से परेशान है, वो भी परेशान है, और उनका इंटरव्यू देखना आप, उनका स्टेटमेंट देखना, जिनकी बेटी गायब है, उन्होंने बताई है कि आज तक भी इतने दिन से हम बैठे, हमारा कोई भी साथ देना हमारी पार्टी का नहीं आया, आज हमें दुख होता है कि हमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमारा ही साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मान लिया, क्योंकि वो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है ना लड़का, जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा करवाया। आपका एक बयान पीआरबी पे ही आया, एक पत्रकार ने इंटरव्यू, जिसमें आपने कहा कि 403 विधानसभा पे आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सामने प्रधानमंत्री जैसा फेस, सामने योगी आदित्य जैसा बड़ा संत वाला फेस, उनके सामने पूनम पंडित अपने आप को कहां आंक रही हैं? एक महिला को कभी चैलेंज ना दे, मैं इनमें गलती तो यही थी, यही गलती इन्होंने बंगाल करी थी, ठीक,
सभी को पता मैं निस्वार्थ काम कर रही हूँ, ठीक है। आप मेरे घर भी आते हैं, आपने मेरे घर का भी माहौल देखा, जो मेरे घर का पहला माहौल था आज भी वही है, कोई मैंने ऐशो आराम नहीं लिया किसी से, ठीक है, और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। और जिस तरीके से मैं अपने घर को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाती आई हूँ, उसको बढ़ाती रहूंगी अपनी मेहनत से, किसी की दलाली से नहीं, पहली बात। दूसरी बात, किसी औरत को कमजोर लेकर इन्होंने वहां गलती करी थी। तीसरी बात, मैं निस्वार्थ काम कर रही हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, क्योंकि मैं देश में शांति चाहती हूँ, देश में शिक्षा को बढ़ावा दे, मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ। मेरी समस्त टीम, मेरे समस्त सहयोगी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं, बुला करके आशीर्वाद प्यार देते हैं, ठीक। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा आगे बढ़े, हॉस्पिटल अच्छे हो। ये हमारा देश अभी इन्होंने पीछे और ज़्यादा कर दिया, तो हमारा देश ये इसी सिस्टम में उलझा करके वो रखना चाहते हैं। जब भी सेकुलरिज्म पर कोई बात होती है, उसमें देश को बांटने की कोशिश करें, उसमें उलझाने की, तो वो देश हमेशा पीछे होता है। वही हाल ये भारत का कर रहा है। आपने हॉस्पिटल की बात की, इस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने महिलाओं की बात की कि महिला से टक्कर लेना, वो महिला एक अपने में एक ताकतवर है, लेकिन स्मृति ईरानी भी तो एक महिला है, उनकी पार्टी में है, उनका भी आत्मविश्वास पूरा है कि हम जीत रहे हैं। उनके अंदर इतने ही बोलने की ईश्वर ने ताकत नहीं दी, जब एक औरत का लखीमपुर खीरी में पल्लू खींचा जा रहा था, साड़ी उसकी उतारी जा रही थी, चीरहरण हो रहा, भगवान ने उनको इतनी ताकत ही ना दी, दो शब्द वो उस औरत के लिए बोल देती एक औरत होकर, तो आप कैसे मान सकते हैं कि उनके अंदर ताकत है, पावर है? मैं तो मानती नहीं। दोबारा आ गई, मंत्री बन गई, आप कह रही पावर नहीं है, ताकत नहीं है, कार्यशैली देख के तो उनको क्या चुना गया? कार्यशैली हमने देखी, हमने थोड़ी चुना, जिन्होंने देखी उन्होंने चुना भैया, जिनके हाथ में पावर है। स्मृति ईरानी को आप नहीं मानते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल नहीं मानते। जब मानते थे वो अच्छा काम कर रही है, जब वो सिलेंडर ढो ढो करके महंगाई के खिलाफ खड़ी होती थी और प्रधानमंत्री के मुंह पे चूड़ियां भिजवाती थी कि चूड़ी पहन लीजिए मनमोहन सिंह, जब मानते थे कि हाँ वो मेहनती हैं, जुझारू हैं, ईमानदार हैं, अब क्या कहोगे? 7 साल से बोली वो, दिया किसी पे स्टेटमेंट, दिल्ली में अभी 6 साल की लड़की का बलात्कार होगा, क्या दिया उन्होंने उस पे स्टेटमेंट? 8 साल की लड़की का बलात्कार दिल्ली में हो गया, उसको जला दिया, क्या दिया उस पे स्टेटमेंट? पूरे देश ने इनका ड्रामा देखा, पूरे देश ने इनका तमाशा देखा, क्या दिया उस पे स्टेटमेंट? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, दिया उन्होंने? तो आप क्या क्या समझेंगे? इसका मतलब वो औरत कमजोर है? लेकिन महिला सुरक्षा तो बता रही है कि सुरक्षा, मैंने बता दी, इतने वो गिनवा दिया, बरेली कांड गिन लो, हाथरस गिन लो, उन्नाव गिन लो, और कुछ वो कांड है जो दबा दिए जाते हैं, और क्या गिनवाओगे आप? ये तो मैं उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ। चलिए अब आते हैं हॉस्पिटल पे। पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की थी, उसने हॉस्पिटल भी बनाया। संभाले भी, सुनिए, अच्छी बात है अखिलेश जी ने हॉस्पिटल बनाया, उम्मीद करते हैं आगे भी वो इस तरीके का काम करे और शिक्षा को बढ़ावा दे। में इन पे तो वो चीज ना संभाली जा रही जो कांग्रेस बना के गई थी। पूछे 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, देखा नहीं आपने? बीजेपी के नेता, मेरे फोन में वीडियो है, वो कह रहे हैं जो प्राचीर पे भाषण दिया था 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक, उनकी वजह से महंगाई है। देखिए, है नहीं नेहरू जी देश में? हाँ जी, नेहरू जी की वजह से नहीं है महंगाई, नेहरू जी की वजह से। एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है, बीजेपी का वीडियो है, दिखा दूंगी आपको। देश तो मजबूत हो रहा है, कहा जा रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, राफेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जीडीपी देखिए आपने कहाँ देश की, देखिए बेरोजगारी पता आपको कहाँ है, पता? और महिलाओं पर कितने बलात्कार के इन्होंने कर रखे हैं अत्याचार, वो पता आपको? ठीक, ये बहुत हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, हालांकि मुझे धर्म पे नहीं बोलना चाहिए, क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे मेरा ये शब्द, लेकिन ये बहुत कहते हैं हिंदू राष्ट्रीय हिंदू बनाएंगे, देश को हिंदू हिंदू ये चिल्लाते हैं। मेरा धर्म सबसे पहले ये नहीं सिखाता, सनातन धर्म, कि मैं किसी के धर्म का अपमान करूं। दूसरी बात, आप रिकॉर्ड उठा करके देखना, जितनी बेटियों के बलात्कार करे वो किस धर्म से, देख लेना उठा। चलिए, आपने एक सवाल को मेरे काट दिया, हॉस्पिटल वाले। पिछली सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। आया कौन? वही मंदिर, वही राम मंदिर के। तो जनता तो चाह रही है ना कि जो मंदिर की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा। बदलाव, बदलाव हर कोई चाहता है। इतने साल से कांग्रेस थी, आपको भी पता, केंद्र में, तो जनता ने सोची नया दौर आएगा, कुछ और बेहतर होगा और देश डेवलपमेंट होगा। तो मूर्ख मूर्ख बन गए ना हम जैसे युवा, तो इसलिए हम मूर्ख बन गए थे। हमें थोड़ी पता है, हमारे बुजुर्ग इसलिए मना करके गए थे इन्हें संघियों को मत लेकर ही हो। राष्ट्रवाद हमें वो सिखाते हैं जो अंग्रेजों की दलाली करे, करे नहीं करे। तो बीजेपी को अब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं मानेगी? नहीं मानते। कहाँ है वो राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है हमारे देश में शांति होनी चाहिए, हमारा देश डेवलप होना चाहिए, हमारे देश की शिक्षा ऊपर होनी चाहिए, हमारे देश में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की जीडीपी हाई होनी चाहिए। जो राजधर्म का पालन करता है, राष्ट्र धर्म का पालन करता है, वो राष्ट्रवाद पार्टी मानी जाएगी। फिर विदेश में बोलबाला किस चीज का? पांच जो बड़े बिल्कुल पावरवर पावरफुल नेता हैं, उनमें गिनती है जो मीडिया पर रोक लगाने वाले, उसमें उनका नाम है। जो मीडिया की पावर को दबाना चाहते हैं, मीडिया की आजादी को छीनने वाले प्रधानमंत्री नंबर वन पे हैं, आपको पता है इस बात का। इसलिए नाम है, किसानों की क्या दुर्दशा कर रखी, इसलिए नाम है। और कितने लड़कियों पर अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, कम कम छोटी छोटी बच्चियों पर, और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, सेंगर जैसों के खिलाफ कुछ नहीं होता, इसलिए नाम है उनका विदेशों में।
कौन मना कर रहा नाम ना। लेकिन वही मीडिया नंबर वन बता रही है उत्तर प्रदेश को, वही मीडिया कह रही है कि योगी जी फिर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप बिकाऊ लोगों की बात करते हो, ठीक, अब बिकाऊ लोग तो वही बोलेगा ना जितना उसको बोलने कह जाएगा। हैं, अच्छे पत्रकार देखिए, वाजपेयी जी को देखिए, रविश कुमार को देखिए, अभिषार शर्मा को देखिए, नवीन कुमार को देखिए, आप जैसे पीआरबी न्यूज वालों को देखिए, इनको आप अच्छा बोलोगे ना, तो क्या इस बात से थोड़ी कि आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, पहले रिकॉर्ड निकलवा के देख लेना कितने बलात्कार हुए और किस धर्म के लोगों के हुए। किसान आंदोलन से पूनम पंडित आई, बड़ी चेहरा तक बन गई, किसान आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ के देखे तो बाकी जगह कुछ पढ़ने वाला है? अरे पूर्वी में पढ़ने वाला भी आ रहे हैं, हम स्वागत नहीं करोगे? हमारी टीम आ रही है। अच्छा, आप जाएंगे? बिल्कुल। माहौल खराब कर तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल, अभी तक भी परमात्मा की दुआ से, ईश्वर की दुआ से सभी लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि उन्हें पता है कि हमारी बहन बेटी आ रही है, हमारी साथी आ रही है नई उम्र की, तो वो कभी माहौल खराब नहीं करते, चाहे युवा है चाहे महिला है चाहे बुजुर्ग है, कभी माहौल खराब नहीं करते। आज तक रिकॉर्ड उठा लेना मेरी, किसी भी पंचायत का, किसी भी महापंचायत का, किसी भी रैली का माहौल खराब नहीं हुआ। ये लोग आकर के कोशिश तो करेंगे लेकिन हम उसे संभाल कर रखेंगे, हमें खुद पर विश्वास है और उस परमात्मा पर विश्वास है। योगी जो है जो ठोक दे नीति की सरकार मानी जाती है, संभल के जाइएगा। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, देना। आप जो जा रही हैं थोड़ा संभल के जाइएगा, हम तो जा रहे हैं। टिकट को मिल चुकी है धमकी। देखिए सुनिए, उनका मैटर एक अलग है क्योंकि वो बताएं इस चीज को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं तो उसी दौरान लखनऊ में गई हुई हूँ और सहयोग करके आई हुई हूँ 59,000 बच्चों का, रिकॉर्ड है निकाल लेना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूनम पंडित सच बोलने से डर गई, पूनम पंडित सच दिखाने से डर गई, ऐसे कैसे कह सकते हैं? चलिए आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि हमने भी इंटरव्यू आपके लिए, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप तो कह दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो पूरी विधानसभा पे लड़ेंगे, तो क्या पूनम पंडित का फोकस योगी आदित्यनाथ के विधानसभा गोरखपुर पे ज्यादा रहेगा? क्या बहुत ज्यादा रहेगा? गोरखपुर जाएंगे? गोरखपुर जाएंगे, जाएंगे, देखेंगे ना बाबा जी ने कैसी नगरी बनाई हुई है, कितना डेवलपमेंट किया हुआ है। 22 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, पता है आपको, चार चार पांच पांच गांव डैम में ऐसे तरीके से, जब 6 महीने पहले पता लग जाती है ना तो दूसरी जगह पुनर्वास करवाते हैं, आप देख करके आपको फिर 4-6 दिन तक भी वही चीज नजर आएगी, 22 साल से है इनकी सरकार वहां पे, ठीक। और वहां के लोग इतने दुखी है, आदिवासी समाज के लोग और जो किसानी करते हैं, बिल्कुल वो महिला मजदूर वहां है बहुत, 36 साल उनके आंदोलन को पूरा हो गया, उन्होंने इतनी सभ्यता से शांति से आंदोलन करा, वहां के लोग इतने दुखी, 22 साल में इन पर वहां डेवलपमेंट नहीं होती, यहां का करेंगे? हमने तो सोची यहां भी करेंगे, क्या करेंगे? योगी जी को तो ऑस्ट्रेलिया मांग रहा है कि उधार दे दीजिए, इतना अच्छे मुख्यमंत्री है, ले लीजिए जी, हम तो चाहते हैं योगी जी आप चले जाइए वहां पर, हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया आप गिफ्ट, ले लीजिए जी, कर लीजिए रिक्वेस्ट विक्वेस्ट योगी जी से, चले जाइए, प्रभु हमें बख्श दीजिए, उत्तर प्रदेश को बख्श दीजिए, शांति चाहते हैं देश में, आप लोगों की तरह नहीं कि आप उनको सपोर्ट करें, कैसे कैसे नारे लगाने वाले लोगों को। चलिए तो यही है पूनम पंडित, जो बड़ी बेबाक अपनी बातों को रखती हैं, चाहे वो किससे भी कटाक्ष करे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।